नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, ये किस्सा राजेश खन्ना, जावेद अख्तर और अमिताभ बच्चन का है। जब एक बार सलीम जावेद की जोड़ी पर राजेश खन्ना भड़क गए और बोले, अमिताभ के लिए आप लोग जानबूझकर मजबूत स्क्रिप्ट लिखते हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको उन दिनों का किस्सा सुनाएंगे जब ये कहा जाने लगा था और महसूस होने लगा था कि अमिताभ बच्चन का सितारा बुलंदियों पर पहुंच रहा है और राजेश खन्ना कहीं ना कहीं ढलान की तरफ हैं। 70 के दशक की शुरुआत होते होते माया नगरी में राजेश खन्ना का रुतबा कम होने लगा था। उनकी एक के बाद एक फिल्में पिट रही थी तो दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन का कद बड़ा हो रहा था। अमिताभ को लेकर और भी कई ऐसी बातें थी जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को पसंद आती थी। मसलन, अमिताभ बच्चन टाइम के बहुत पंक्चुअल थे। शूटिंग के कॉल टाइम से 2 मिनट पहले वो सेट पर पहुंच जाते थे। विनम्र थे और सुपरस्टार जैसे नखरे नहीं थे। दूसरी तरफ राजेश खन्ना शूटिंग पर देरी से आने के लिए बदनाम थे। यहां तक कि वो कई बार शूटिंग रद्द तक कर देते थे। अमिताभ बच्चन को उस वक्त फिल्मी गलियारों में नया लड़का कहकर पुकारा जाता था। हालांकि उनका सितारा तेजी से बुलंदियों की तरफ बढ़ रहा था और ठीक इसी वक्त लेखक सलीम खान और जावेद अख्तर की जोड़ी भी तेजी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही थी। राजेश खन्ना की जीवनी कुछ तो लोग कहेंगे में यासिर उस्मान लिखते हैं कि 1975 में आई फिल्म दीवार के लिए यश चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन पर दांव लगाने का फैसला किया। उन दिनों काका ये कहा करते थे कि यश चोपड़ा ने यह फिल्म पहले उन्हें ऑफर की थी लेकिन उन्होंने फिल्म ठुकरा दी। बाद में जब सलीम खान से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, दीवार के रोल के लिए राजेश खन्ना से कभी बात ही नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हमने तो वो रोल अमिताभ बच्चन के लिए ही लिखा था और वही उस रोल में फिट बैठते थे। सलीम जावेद की जोड़ी द्वारा लिखी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई और इसी दौर में यश चोपड़ा ने एक और फिल्म कभी कभी की प्लानिंग शुरू कर दी और इस फिल्म में उन्होंने अमिताभ बच्चन को साइन कर लिया। यासिर उस्मान किताब कुछ तो लोग कहेंगे राजेश खन्ना में लिखते हैं कि जब यश चोपड़ा ने सुपरस्टार राजेश खन्ना को छोड़कर अमिताभ बच्चन को अपनी फिल्म का हीरो बना लिया और उन्हें एक तरीके से इंडस्ट्री में आगे बढ़ाना शुरू किया तो राजेश खन्ना को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उधर अमिताभ बच्चन पर लगाया गया यश चोपड़ा का हर दांव कामयाब हो रहा था। दीवार के बाद चुपके चुपके, मिली, जमीर जैसी अमिताभ की फिल्मों को दर्शकों ने हाथों हाथ लिया और जब शोले रिलीज हुई तो इसने सफलता के एक अलग प्रतिमान गढ़ दिए और कामयाबी की एक नई इबारत लिख दी। अमिताभ को भी एक तरीके से स्थापित कर दिया गया। शोले के निर्देशक राजेश खन्ना के करीबी रहे रमेश सिप्पी थे और उनकी फिल्म अंदाज में राजेश खन्ना गेस्ट अपीयरेंस के रूप में नजर भी आए थे। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। हालांकि इस कामयाबी के बावजूद सिप्पी ने राजेश खन्ना के साथ काम नहीं किया। शोले के लेखक भी एक वक्त में राजेश खन्ना के करीबी रहे सलीम जावेद ही थे। सलीम जावेद ने राजेश खन्ना के साथ अंदाज, हाथी मेरे साथी और बंधन जैसी हिट फिल्में दी थी लेकिन धीरे धीरे ये जोड़ी उनके साथ काम करने से कतराने लगी थी। यासिर उस्मान लिखते हैं कि सलीम जावेद की जोड़ी उस समय फॉर्म में थी और उनकी लिखी हर अच्छी स्क्रिप्ट राजेश खन्ना की जगह अमिताभ बच्चन के खाते में गई, जो कि पहले अमिताभ बच्चन की जगह तो थी नहीं इंडस्ट्री में उस तरीके से। राजेश खन्ना के लिए ही ये जोड़ी मशहूर थी और इस जोड़ी ने एक से बढ़कर एक स्क्रिप्ट लिखी। लेकिन अब ये सारी स्क्रिप्ट राजेश खन्ना की बजाय अमिताभ बच्चन के खाते में जा रही थी और अमिताभ बच्चन का जो ग्राफ है वो तेजी से ऊपर आ रहा था। इस दौर में जावेद अख्तर और राजेश खन्ना के झगड़े की खबरें भी पत्र पत्रिकाओं में खूब छपी। जब सलीम खान से इस झगड़े के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि भोला भाला नाम की एक मराठी फिल्म थी, उसे राजेश खन्ना हिंदी में करना चाहते थे तो हमें स्क्रीन प्ले के लिए कहा। इसमें उन्होंने डबल रोल करना चाहा लेकिन हम इस पर सहमत नहीं थे।
उस दौर में यह भी कहा गया कि सलीम जावेद की जोड़ी ने जानबूझकर राजेश खन्ना का करियर खत्म करने की प्लानिंग की और अमिताभ के लिए एक से बढ़कर एक मजबूत रोल लिखी। इस आरोप पर सलीम खान कहते हैं कि एक लाइन थी, हमने उसको हाथ लगाए बगैर एक दूसरी बड़ी और मजबूत लाइन खींच दी। अमिताभ आए थे तो उनकी भी फिल्में फ्लॉप रही थी और वो तो एक तरीके से वापस जा रहे थे, अगर जंजीर नहीं चलती तो शायद वापस लौट भी जाते। सलीम खान कहते हैं कि सलीम जावेद कोई खुदा नहीं थे कि उन्होंने एक आदमी को बना दिया और कहा कि इसको हम राजेश खन्ना के अपोजिट खड़ा कर देंगे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि राजेश खन्ना से बड़ा कोई स्टार हो सकता है। इस आरोप पर कि सलीम जावेद ने राजेश खन्ना का डाउनफॉल रचा, वो कहते हैं कि हमारे हाथ में तो हमारा ही फ्यूचर नहीं था, हमारी कोई फिल्म चलती थी कोई नहीं चलती थी, लेकिन हमारा औसत अच्छा था। राजेश खन्ना बाद के दिनों में अपने ही करियर को संभाल नहीं पाए और राजेश खन्ना ये आरोप लगाते रहे कि सलीम जावेद ने उनके करियर को तबाह किया। अच्छी स्क्रिप्ट अमिताभ बच्चन के लिए लिखी जो उनके खाते में आनी चाहिए थी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।